फरीदाबाद सेक्टर 31 डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्राइंग यूनिट कंपनी में कपड़ा रंगाई करते समय बॉयलर फट गया, जिसके फटने से कंपनी की छत उड़ गई तो वहीं पड़ोस वाली कंपनी की दीवार भी गिर गई, जिसमें काम कर रहे 5 मजदूर दीवार के नीचे दब गए और एक मजदूर बॉयलर के फटने से घायल हो गया। दोनों कंपनी के घायल 6 मजदूरों को आनन फानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पड़ोसी कंपनी के अधिकारी राजेंद्र की माने तो उनके पड़ोस में ड्राइंग यूनिट की कंपनी है जिसमें बॉयलर लगा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने पहले भी बॉयलर हटाने के लिए कहा था, मगर वह नहीं माने और आज बॉयलर अचानक फट गया, जिससे उनकी कंपनी की दीवार गिर गई और जिसके नीचे उनके 5 मजदूर दब गए, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सेक्टर 30 थाने के एएसआई ने बताया कि 6 मजदूर बॉयलर फटने से घायल हुए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी किसी और के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमारे बगल में बॉयलर की कंपनी, प्रिंटिंग की कंपनी है, उसमें बॉयलर लगा हुआ है। बॉयलर के लिए हमने पहले भी इनको बोला कि एक दो बार इस बॉयलर को हटा लो, और ये सडनली बॉयलर फट गया। हमारे वर्कर्स यहाँ पे निकल रहे थे वे में, तो 6-7 आदमियों पे चोट लगी। अच्छा, हमारे पास पीटी आई थी कंट्रोल रूम से कि भाई 19A नंबर कंपनी में बॉयलर फटा है, जिसमें दीवार पड़ गई है और कुछ लोगों को चोट आई है। जिस पर हम मौके पर गए थे तो हमने देखा कि 19A DLF में कंपनी में बॉयलर फटा था, उसमें एक आदमी था हेल्पर जिसको चोट आई है, और चोट जो बॉयलर फटने की वजह से जो उसके ऊपर वो चद्दर लगी हुई थी सीमेंट की, तो वो टूटी है और वो ऊपर तक उछली है। ऊपर उछल के पड़ने के बाद उन लोगों को चोट आई है। कुछ जो इस बॉयलर वाली कंपनी के साथ वाली कंपनी है, इस कंपनी में भी कुछ लोग मजदूर को काम कर रहे थे, तो वो चद्दर वगैरह उन लोगों के ऊपर भी पड़ी है और एक इसमें थोड़ी सी दीवार भी पड़ी है, इसकी वजह से कई लोगों को चोट आई।